श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय स्थित प्रज्ञ किपरि चाले एबे निम्न श्लोकरे भगवान एही प्रश्नटीर उत्तरर उपसंहार करुछंती। श्लोक नंबर 71 विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। एहार आक्षरिक अर्थ हैला जेउ मनुष्य समस्त कामना त्याग पूर्वक निस्पृह निर्मम ओ निरहंकार होई विचरण करे से शांति लाभ करे। व्याख्या विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह अर्थात अप्राप्त वस्तुर इच्छा को कामना कहंती। स्थित प्रज्ञ महापुरुष समस्त कामना त्याग कर दियंती। कामना त्याग करदे शरीर निर्वाह निमन्ते देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रभृतिर जो आवश्यकता देखा जाए अर्थात जीवन निर्वाह पर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि जो आवश्यकता अनुभूत हुए ताहार नाम स्पृहा। स्थित प्रज्ञ पुरुष एही स्पृहा को मध्य त्याग कर दियंती कारण जेउथिपाई ए शरीर मिलिथिला एवं जहाँ आवश्यक थिला सेही तत्वर प्राप्ति होइगला ओ आवश्यकता पूर्ण होइगला। एबे शरीर रहू बा न रहु शारीरिक निर्वाह हेउ बा न हेउ ए दिगरु से बेपरुआ होइ जानती। एहा तांकर निस्पृहता। निस्पृह हेबार अर्थ नुहे जे से निर्वाह वस्तुगुडीकु सेवन करंती नाही। से निर्वाह वस्तुर सेवन करंती पथ्य कुपथ्य प्रति मध्य ध्यान रखती अर्थात प्रथमे साधनावस्था रे शरीर संगे जेपरि व्यवहार करुथिले एबे भी सेहिपरि व्यवहार करती तथापि शरीर रहू बा न रहू जीवन निर्वाह वस्तु मिलू बा न मिलू ए विषय रे तांकर कौनसी खातिर न थाए। एही अध्यायर 55 नंबर श्लोक रे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदगुड़िक कामना त्याग विषय रे जेउ कथा भगवान कहिथिले एठी विहाय कामान यह सर्वान पदगुड़िक सेही कथा कहिछन्ते। तात्पर्य हैला समस्त कामना त्याग न करी कर्म जोगरे केही स्थित प्रज्ञ होई पारे नाही कारण कामना जोगु ही संसार संगे संबंध जोड़ी होइछि। कामना गुड़ी को संपूर्ण त्याग करिदेले संसार संगे आदौ संबंध रही पारिबो नाही। निर्मम स्थित प्रज्ञ महापुरुष पूर्ण भाव में ममता त्याग कर दियंती। मनुष्य जो वस्तु को निजर मन करे ताहा वास्तव में निजर नुहे बरं ताहा संसार रु मिलेछि। मिलिथिबा वस्तु को निजर बोली मानिबा भ्रम अटे। एही भ्रम दूर होइगले स्थित प्रज्ञ महापुरुष वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि प्रति ममता रहित होई जानती। निरहंकार मु हेउची ए शरीर शरीर संगे एपरी तादात्म्य भाव को अहंकार कहंती। स्थित प्रज्ञंक ठारे एही अहंकार रहे नाही कौनसी एक प्रकार ज्ञान द्वारा ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि दृश्य हेउची एवं मु भाव मध्य कौनसी एक प्रकाश द्वारा प्रतीत होउछी। सुतरां प्रकाश दृष्टिरु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ओ अहं भाव प्रभृति दृश्य दृश्य ठारे द्रष्टा निश्चित रूपे अलगा होइथाए। एपरि अनुभव हेले स्थित प्रज्ञ निरहंकार होइजाए स शांति अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ शांति लाभ करंती। कामना स्पृहा ममता ओ अहं भाव विवर्जित हेला परे जे शांति आसे ए कथा नुहे बरं प्रत्येक मनुष्य ठारे शांति स्वतः सिद्ध। केवल उत्पन्न ओ नष्टशील वस्तुरे सुख भोगर कामना रखिबारु एवं सेथिरे ममतार संबंध रखिबारु ही अशांति हुए। संसारर कामना स्पृहा ममता ओ अहं भाव पूर्ण रूपे लोप पाइगले स्वतः सिद्ध शांतिर अनुभव हुए। एही श्लोकरे कथित कामना स्पृहा ममता ओ अहं भाव मध्यरु अहं भाव हेउछि मुख्य।
केवल अहं भाव को वर्जन करदे सब वर्जित हो जाए। अर्थात जदि मो भाव न रहिब तेबे मोर भाव रहिब किपरी, आउ कामना किए करिब ओ कौन पाइबा करिब। जदि निरहंकार कहिबा मात्रे कामना आदिर त्याग ताहार अंतर्गत हो जाए तेबे कामना आदि त्यागर वर्णना काहेकि करागला? एहार उत्तर हला कामना स्पृहा ममता ओ अहं भाव मध्यरे कामना हेउछि स्थूल, कामना ठारु सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा ठारु सूक्ष्म ममता ओ ममता ठारु सूक्ष्म अहं भाव। तेणु साधक प्रथमे कामना स्पृहा ओ ममता त्याग करिदेले अहं भावर त्याग ता पक्षे सहजे होइजिबो। शास्त्र दृष्टिरु प्रथमे कामना त्याग तापरे स्पृहा ममता ओ अहंकार त्याग करिबाको कुहाजाए। मात्र साधक दृष्टिरु प्रथमे ममता त्याग तापरे कामना स्पृहा ओ अहंकार त्याग करिबा ठीक हेब। प्राप्त वस्तुरे ममता हुए एवं अप्राप्त वस्तु पई कामना हुए। सर्वप्रथमे ममता त्याग करिबा सहज हुए। मनुष्य प्रथमे ममता करी अर्थात प्राप्त वस्तु सहित संबंध करी बंधन रे पड़ी जाए। प्रथमे ममता त्याग कले निष्काम हेबार सामर्थ्य आसी जाए, कामना त्याग कले निस्पृह हेबार सामर्थ्य आसी जाए एवं स्पृहा त्याग करदेले निरहंकार हेबार सामर्थ्य आसी जाए। शास्त्रीय दृष्टिकोणर अनुसरण कले मनुष्य पंडित हो जाए एवं साधक दृष्टिकोणर अनुसरण कले ताकू अनुभव हुए। आसंतु जानिबा अहं भाव ओ ममतारु मुक्त हेबार उपाय। कर्म जोग दृष्टिरु मोर किछि नुहे, कारण कौनसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था प्रभृति उपरे मोर स्वतंत्र अधिकार नाही। जेहेतु मोर किछि नुहे तेणु मोर किछि आवश्यक नाही। कारण जदि शरीर मोर होइथांता तेबे मोर अन्न जल वस्त्र आदिर आवश्यकता थांता, किंतु जदि शरीर मोर नुहे तेबे मोर किछि आवश्यक नाही। जदि मोर किछि नुहे ओ मोर किछि आवश्यक नाही तेबे मु बोली कौन रहिला? कौनसी वस्तु शरीर स्थिति आदि को धरि रखिले ही मु हुए। मोर बोलाउथिबा शरीर आदिर संसार सहित अभिन्न संबंध रहिछि, तेणु एही शरीर द्वारा जहाँ किछि करिवार अछि ताहा केवल संसारर हित लागि हेबा उचित, कारण मोर किछि आवश्यकता नाही। एपरि भाव आसिले मोर एक देशीयता स्वतः नष्ट होइ जाए एवं कर्मयोगी अहं भावरु ओ ममतारु मुक्त होइ जाए। सांख्य योग दृष्टिरु समस्त प्राणीकर मु अछि एपरि निज स्वरूपर स्वतः सिद्ध सत्तार ज्ञान थाए। एथि मध्यरु मु प्रकृतिर अंश एवं अछि हेउछि सत्ता। एही अछि केवल मु उपरे ही आधारित। जदि मु न रहे तेबे अछि रहिबो नाही, बरं अछंती रहिबो। मु अछि आपण अछंती इए अछंती सीए अछंती ए चारोटी जाक देश काल ओ पात्र उपरे आधारित। जदि ए चारोटी को न धरिबा अर्थात देश काल पात्र को ग्रहण न करिबा तेबे केवल अछंती ही रहिबो अर्थात अछंती रे ही स्थित हेबो। अछंती रे स्थिति होइगले सांख्य योगी अहं भाव ओ ममतारु मुक्त होइजाए। भक्ति योग दृष्टिरु जहाकु आमे मु ओ मोर बोली कहुछे ताहा भगवान कर। मोर बोलाउथिबा वस्तुरे मोर तिले मात्र अधिकार नाही, बरं प्रभुंकर पूरा अधिकार अछि। से जेउं भली वस्तु को रखंती ओ रखिबाकु चाहंती ताहा सेई भली रहे। सुतरां सबु किछि प्रभुंकर, ए सबु को प्रभुंक सेवारे लगाइबी। मो पाखरे जेउं शरीर इंद्रिय मन ओ बुद्धि रहिछि से सबु मध्य तांकर एवं मु मध्य तांकर। एपरि भाव हेले भक्ति योगी अहं भाव ओ ममतारु मुक्त होई जाए। एही श्लोकर परिशिष्ट भाव हेला भगवान प्रथमे स्वमृतत्वाय कल्पते कही
ज्ञान जोगर सिद्धि बा पूर्णता कथा कहिथिले से एबे सशांतिम अधिगच्छति कहि कर्म जोगर सिद्धि कथा कहुछन्ति। तात्पर्य हेउछि चिन्मयतारे स्थिति हेले अमृत प्राप्ति हुए एवं जड़ता त्याग कले शांति प्राप्ति हुए। अहं भाव निज स्वरूप स्वीकृत होइछि, वास्तवरे एहा नाही। जदि थांता तेबे आमे केबे निरहंकार होइपारन्ते नाही एवं भगवान मध्य निरहंकार हेबा पाई कहि नथांते। भगवान निरहंकार हेबा पाई कहुछन्ति माने आमे अहंकार रहित होइपारिबा। एहा मध्य आमर अनुभव जे वास्तवरे स्वरूप अहंकार रहित। सुसुप्ति समयरे अहमर अभाव ओ स्वयंर भाव समस्तंकु अनुभव हुए, ताहा जाग्रत अवस्था को आसिला परे स्पष्ट बोध हुए। सुसुप्ति रे अहम अविद्यारे लीन हो जाए किंतु स्वयं रहे। तेणु सुसुप्ति रु जाग्रत अवस्था को आसिले आमे कहू मु एमिति सुखरे सोइली जे मते किछि जणा नथिला। एही स्मृति रु सिद्ध हेउछि जे सुख अनुभवकारी एवं किछि जणा नथिला ए कथार वर्णना करी अवश्य थिला। नहेले काहाकु सुख अनुभव हेला एवं किछि जणा नथिला बोली किए जानिला। सुतरंग किछि जणा नथिला एहा हेउछि अहमर अभाव स्थिति एवं जहाकु एही स्थितिर ज्ञान हेला से हेउछि अहंकार रहित स्वरूप। कौनसी महिलांकर नोथ कुओरे पड़िगला, ताहाकु बाहर करिबा पई जणे बुडाळी कुओरे बुडिला एवं पाणी भितरे नोथटिकु खोजिबाकु लागिला। खोजी खोजी हठात नोथटिकु पाइजिबा परे बहुत खुशी हेला, मात्र सेतेबेले से किछि कहि पारिला नाही, कारण बाणी अर्थात अग्नि ओ जल परस्पर विरोधी। पानी रु बाहरिबा परे ही से नोथ मिलिगला बोली कहि पारिला। सेहिपरि सुसुप्ति अवस्थारे अहम लीन होइगले मनुष्य सुख अनुभव करे किंतु ताहाकु व्यक्त करिपारे नाही, कारण सेतेबेले व्यक्त करिबार कौनसी साधन नथिला। सुसुप्ति रु जाग्रत अवस्था को आसिले ही ताहार सुसुप्ति सुखर स्मृति आसे, स्मृति अनुभव जनित, अनुभव जन्यं ज्ञानं स्मृति ही। एहिपरि सुसुप्ति रे अहमर अभाव तो समस्तंकु अनुभव हुए किंतु निजर अभाव काहाकु केबे अनुभव हुए नाही। अहंकार आम बिना रही पारिबो नाही, हेले आमे अहंकार बिना रही पारिबा एवं रहुचे मध्य। आमर स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र, एही नित्य सत्ता पाई काहारी आवश्यकता नाही, किंतु समस्तंकु नित्य सत्तार आवश्यकता रहिछि। जदि आमे अहम ठारु पृथक होइनथान्ते एवं अहंकार रूप होइथान्ते तेबे सुसुप्ति अवस्थारे अहंकार लीन होइगले आमे मध्य रहन्ते नाही। अतएव अहंकार बिना मध्य आमर सत्ता रहुथिबार प्रमाणित हेला। जाग्रत ओ स्वप्नरे अहम प्रकट रूपे रहे एवं सुसुप्तिरे लीन होइजाए, किंतु आमे स्वयं निरंतर रहु, जहाँ प्रकट ओ लीन हुए नाही ताहा ही आमर स्वरूप। एही श्लोकरे अपरा प्रकृति त्याज्या बोली कुहा जायछि। जीव अहंकार जोगु अपरा प्रकृति को धरि रखिछि, यदेयं धार्यते जगत। एणु निरहंकार होइगले अपरा प्रकृति परित्याग होइजाए एवं जीव जन्म मरण रूपक बंधनरु मुक्त होइजाए। सबु किछि परित्याग होइगले भी अहंकार रही जाइथाए, किंतु अहंकार चलीगले सबु किछि चली जाए। श्रोता बंधु आज पाई एतिकी, धन्यवाद। राधे राधे।